इट्स डेफिनेटली वन टाइम वॉच, तो जाइए और देखिए। मसाला पिक्चर है, पूरा मसाला पिक्चर है। बेकार, नींद खराब हो गई मेरी। तो 3D में देखी मूवी, ठीक है। फिल्म वाज ओवर एग्जैजरेटेड, थोड़ा ज्यादा खींच दिया उन लोगों ने। फिल्म अबव एवरेज फिल्म है। बड़े मियां छोटे मियां आखिरकार आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया है। फिल्म को दर्शकों से मिले जुले रिव्यू मिल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म को लेकर उनका क्या कहना है। मैंने मूवी देखी बड़े मियां छोटे मियां, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, डायरेक्टेड बाय अली अब्बास जफर, और मुझे मूवी एवरेज लगी। मुझे लगता है कि मूवी और अच्छी हो सकती थी, स्क्रीन प्ले और अच्छा हो सकता था। इट्स अ वन टाइम वॉच, मास एंटरटेनर है बिकॉज ऑफ फुल पावर हाई वोल्टेज एक्शन सीन्स, बट मुझे लगता है कि स्क्रीन पे कहीं ना कहीं ढीला पड़ गया। और सेकेंड हाफ आते आते, हालांकि सेकेंड हाफ बहुत एंटरटेनिंग है एक्शन की वजह से, पर स्क्रीन पे और अच्छा हो सकता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये मूवी है, क्योंकि उसे कैसे यूज़ या मिस यूज़ किया जा सकता है एक कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों ने ही बहुत अच्छे से एक्शन फिल्म्स की सीन्स किए हैं। मार्सिन लास्कोविच की सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है। 20-25 मिनट एडिट हो सकती थी स्टीवन बर्नार्डिस के एडिटर को मैं बोलना चाहूँगा। डायरेक्शन भी डिसेंट है, बट म्यूज़िक मुझे वीक लगा। विशाल मिश्रा का एक दो ही अच्छे सॉन्ग्स हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी बिल्कुल कॉमन है, कुछ ऐसा नथिंग टू शाउट अबाउट। और मुझे लगता है कि इस मूवी का जो प्लस पॉइंट है वो है पृथ्वीराज सुकुमारन, जो एंटैगनिस्ट बने हैं, उनका रोल बहुत नोटवर्दी है। इट्स गुड। सेकेंड हाफ फुल एक्शन है, फर्स्ट हाफ में स्टोरी है, मतलब सेकेंड हाफ में स्टोरी एस्टेब्लिश होती है। ओके। वो तो ब्लॉकबस्टर थी और वो अलग ही, क्योंकि उसमें कॉमेडी ज़्यादा थी, तो उसका कॉमेडी का जो उन्होंने तड़का लगाया था वो आज तक हमारे जहन में बसा हुआ है और उसके फ्लैशेस आज भी आ जाते हैं आंखों के सामने। बट जहाँ तक ये मूवी है, एक्शन फिल्म है, तो इन एक्शन भी, मतलब एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्टोरी और एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन तो अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी वगैरह अच्छी है और प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा इमोशन भी होता एक्शन के साथ तो और अच्छा होता। वो तो ब्लॉकबस्टर थी और वो अलग ही, क्योंकि उसमें कॉमेडी ज़्यादा थी, तो उसका कॉमेडी का जो उन्होंने तड़का लगाया था वो आज तक हमारे जहन में बसा हुआ है और उसके फ्लैशेस आज भी आ जाते हैं आंखों के सामने। बट जहाँ तक ये मूवी है, एक्शन फिल्म है, तो इन एक्शन भी, मतलब एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्टोरी और एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन तो अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी वगैरह अच्छी है और प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा इमोशन भी होता एक्शन के साथ तो और अच्छा होता। म्यूज़िक ढीला है, एडिटिंग और 20-25 मिनट हो सकती थी, तो उसकी वजह से मैं 3 स्टार्स फिर भी दूंगा, क्योंकि मास एंटरटेन है। इसलिए ऑडियंस को बोलूंगा, ईद के मौके पे सल्लू भाई अपनी मूवी लेके आते हैं, शाहरुख भाई ने ऑलरेडी 3 मूवी हिट कर दी। मनुष्य चिलर वॉज वेरी ग्रेट, शी हैज अ पोटेंशियल, शी कैन प्ले इन एक्शन फिल्म, बट उनको अपने ऊपर काम करना चाहिए, जैसे दिशा पाटनी कैसे अपने ऊपर काम करती है इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड ऑल, उसने काम करना चाहिए। फर्स्ट हाफ एवरेज है, सेकेंड हाफ अच्छी खासी है। AI टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, रोबोटिक्स के बारे में बताया गया है। गलत लोगों के हाथों में अगर AI अगर आ गया तो किस तरीके से देश को खतरा हो सकता है, वो सारी चीज़ें फिल्मों में बताई गई है। तो 3D में देखी मूवी, ठीक है, और अली अब्बास जफर ने जो उनका बेस्ट देना चाहिए उन्होंने दिया है इसमें, मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ। आई थॉट दैट द फिल्म वाज ओवर एग्जैजरेटेड, थोड़ा ज़्यादा खींच दिया उन लोगों ने, और एक्शन सीक्वेंस भी ऐसा था कि अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ ने जब पहले शुरू किया तो मारते ही जा रहे कुछ नहीं हो रहा, एंड जब ख़त्म करना है तो 1 मिनट में हो गया। मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ अभी देख के आया, तो कैसा लगा उन दोनों की केमिस्ट्री, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ? सो दोनों ने मतलब अच्छी एक्टिंग की है, एंड आई थिंक सो मतलब दोनों ने मतलब उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, बट एक्टिंग वॉज नॉट दैट ग्रेट एज उनका होना चाहिए। जैसे जो पुरानी वाली मूवी थी वो मतलब काफ़ी अलग टॉपिक पे बेस्ड थी, ये अलग टॉपिक पे बेस्ड है, तो मतलब उसको कंपेयर करना सही नहीं होगा। फर्स्ट मुझे आई वुड से सेकेंड हाफ वॉज मच बेटर, लेकिन फर्स्ट हाफ कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच लिया था, एंड आई डोंट थिंक सो कि 3 आवर्स देना फॉर दिस मूवी इज़ वर्थ। ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा, ईद का मौका है, छुट्टी है, जाके फिल्म को एंजॉय करे हो और देखो, आपको आप भी बताओ कैसे लेगी फिल्म। ऑडियंस को बोलूँगा, ईद के मौके पे सल्लू भाई अपनी मूवी लेके आते हैं, शाहरुख भाई ने ऑलरेडी 3 मूवी हिट कर दी,
तो इस बार कोई और मैदान मूवी है जिसके भी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, तो ये दोनों मूवीज ही हैं. पीपल शुड गो एंड वॉच इट, इट्स डेफिनेटली वन टाइम वॉच. तो जाइए और देखिए, एक बार देख सकते हैं. अली अब्बास जफर ने जो पिक्चर बनाया है वो बहुत ज़बरदस्त है, एक्शन से भरपूर है, लेकिन कोई स्टोरी वोरी कुछ नहीं है. गाने भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए. गाने ठीक है, कहानी तो बहुत अच्छी है, एज यूजुअल नई है, बिल्कुल अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, थोड़ा साईफाई मूवी है. क्या कहानी दिखाया है वो बताइए, कहानी बताइए. कहानी का थोड़ा साइंस फिक्शन मूवी है, क्लोनिंग सिस्टम के बारे में बताया है, कैसे क्लोन किया गया है आर्मी पर्सन का, उसके बाद उसका यूज मिसयूज किया गया है. वही एज यूजुअल ओल्ड कहानी है, लेकिन थोड़ी सी न्यू है, न्यू पैटर्न में दिखाया गया है इसको. आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? एक्शन, ओनली एक्शन है. BGM सबसे अच्छा एक्शन मूवी है, तो लॉट्स ऑफ एक्शन और कॉमेडी. अक्षय कुमार की एज यूजुअल वेरी गुड है, एज टाइमिंग उनकी सबसे बेस्ट है. और अगर फीमेल एक्ट्रेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन पसंद आया, उनका काम कैसा है? मानसी चिल्लर, उनके एक्शन सीन बहुत अच्छे थे इस बार, पहले से ज़्यादा अच्छे दिखेगा इस बार. जो इन्होंने शुरुआत किया था शुरू से लेकर अंतिम तक एकदम पैटर्न वाइज लिखे गए, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी दिखा दिया हो, कुछ भी ऐसा कर दिया, ऐसा लग रहा था कि इस टाइम की मूवी लाइक थी एकदम हॉलीवुड जैसे मिशन इम्पॉसिबल टाइप की मूवी होती है. इसका काम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? अक्षय कुमार. अक्षय कुमार तो हमेशा कुछ बताइए उनके सीन के बारे में, एक्शन के बारे में. कॉमेडी, जो छोटा छोटा कॉमेडी करते रहते हैं थोड़ा सा रुक रुक के, वो अच्छा लगा उनके में. और क्या, वही सब उनको बढ़िया लगता है. एक्शन तो एक्शन हीरो है ही वो. एक्चुअली ये है, ये देशभक्ति के लिए है मूवी, ताकि कहाँ से कोई टेररिस्ट जो है या मिसाइल कहाँ से पाकिस्तान या कोई भी देश होता है हमला करता है, तो एक सुरक्षा कवच बनाया गया है, ताकि इससे ये है कि कहाँ से कोई रॉन्ग मिसाइल आती है देश की प्रोटेक्ट करती है तो वो नहीं कर पाती है. इसमें मेनली ये चीज़ है कि हमको इस मूवी को इसलिए देखना चाहिए कि कोई भी कहाँ से टेक्नोलॉजी हमारे देश में मिसाइल के थ्रू या किसी अदर्स के थ्रू आती है, ताकि हमारे देश को रक्षा कर सके, ऐसा एक कवच बनाया गया है, जिसमें कि कहाँ से क्या बोलते हैं अक्षय कुमार और क्या वो और टाइगर श्रॉफ दोनों बढ़िया अच्छी भूमिका करते हैं, और कहाँ से हीरो जो है उसके बहुत अच्छी कास्टिंग है उसकी, और बहुत अच्छा मूवी है, इसमें कोई दो राय नहीं है. आइए सुनते हैं दर्शक फिल्म को कितने स्टार्स दे रहे हैं. तो उसकी वजह से मैं 3 स्टार्स फिर भी दूंगा, क्योंकि मास एंटरटेनर है. मैं 2.5 से 3 स्टार देना चाहूँगा. 3 3.5/5. मैं 2 स्टार दूंगा, 1.5 2 स्टार से ज़्यादा नहीं देता.